हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल आइकन प्रेस कर लें, डाल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर। एक गुड न्यूज आपको मैं ऑलरेडी 2-4-5 घंटे पहले दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने फाइनली थर्ड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तब से लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर, ये जो नोटिफिकेशन आया उसमें थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं दिया गया है। जिन स्टूडेंट में सेकेंड राउंड काउंसलिंग में लिखा आ रहा था कि नो सीट अलॉटेड एज पर योर रैंक एंड चॉइस लॉक्ड एज, तो फ्रेंड्स वो स्टूडेंट कैसे लॉक करें, उनके लिए भी आया है नोटिफिकेशन को नहीं आया। तो फ्रेंड्स ये देखिए, उन्होंने सीधा नोटिफिकेशन में दिया जा कहा है कि संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2019 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि द्वितीय आवंटन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत बची हुई रिक्त सीटों पर प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थियों के लिए केवल स्थानांतरण हेतु पैनल दिनांक 15 फरवरी 2020 से 18 फरवरी 2020 तक खोला जा रहा है। अभ्यर्थी केवल स्थानांतरण हेतु अपनी चॉइस लॉक कर लें, कर जो करना चाहते हैं वो चॉइस लॉक कर लें। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ये नोटिफिकेशन बताता है कि सेकेंड काउंसलिंग होने के बाद जो सीटें बची हुई हैं और जिन सीटों पर, अब बात करते हैं जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि क्या जो जिन स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी नहीं हुआ, सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी नहीं हुआ और जो थर्ड राउंड काउंसलिंग में चाह रहे हैं कि हमारी रैंक कोई भी हमें कॉलेज या डिप्लोमा अच्छा मिल जाए, तो उनके लिए क्या दिया गया है। सो फ्रेंड्स, इसमें अभी आपको लिए ये दिया गया है कि जिन स्टूडेंट ने सेकेंड राउंड काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया है और जो अपना ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश फैकल्टी ने इस बार क्या किया, सबसे पहले ट्रांसफ़र को प्रायिकता दी है। सबसे पहले ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र के बाद ये देखिए केवल स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र, जो स्टूडेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट को कानपुर में मिला और वो आजमगढ़ जाना चाहता है या किसी को बलिया में मिला और वो उसके बाद इलाहाबाद आना चाहता है, तो ऐसे स्टूडेंट अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए पैनल, केवल फ्रेंड्स ट्रांसफ़र के लिए पैनल खोला जा रहा है 15 फरवरी 2020 से 18 फरवरी 2020 तक। और यहाँ इन्होंने सीधा लिखा है कि अभ्यर्थी केवल स्थानांतरण जो करना चाहते हैं। अब बात करते हैं जो स्थानांतरण नहीं करना चाहते हैं और उनके लिए क्या इस नोटिफिकेशन में कुछ दिया गया, तो इस नोटिफिकेशन में अभी नहीं दिया गया है। ये केवल गुड न्यूज़ उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है जो स्टूडेंट अपना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, आप कंफर्म रहें, भरोसा रखिए कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी आपके लिए भी नोटिफिकेशन लाएगी। जैसे ही ये स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आपके लिए थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो सीटें बची उसके लिए आप भी लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आप पे आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस के आंसर अगर ना मिले हों तो हमारे चैनल जानकारी ने एक नई सुविधा आपके लिए जारी की है। जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हमारे अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी आप में कमेंट करते हैं, आपका एड्रेस वगैरह कुछ पूछते हैं और आपको परेशान करते हैं, और आपको वो जो क्लियर जानकारी मिलनी चाहिए, वो क्लियर आपको रिप्लाई मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल ईमेल आईडी आपको दे रखा है। अगर आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर ना मिल रहा तो आप सीधे हमें ईमेल के थ्रू आंसर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जहाँ आप कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में, सबसे ऊपर हमारा ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा, वहाँ आप सीधे ईमेल कर सकते हैं और अपना रिप्लाई आप सीधे पर्सनल पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।